तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कैसे हम कोई भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि मेरे पास इमेजेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर कुछ इमेज पड़ा हुआ है और इसको हम लोग कैसे सॉफ्ट कॉपी में यानी कि एडिटेबल फॉर्म में कैसे लाएंगे। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करके एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए और जैसे ही आप लॉगिन करके ओपन करोगे यहाँ पे जो गूगल ऐप का डॉट दिखा रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे गूगल ड्राइव में जाना है। गूगल ड्राइव जैसे ही ओपन होता है उसमें आपको फाइल अपलोड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गूगल ड्राइव ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको न्यू में क्लिक करना है और फाइल अपलोड। अगर आपके पास फोल्डर है तो आप फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है, मैं कोई भी एक फाइल को ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, तो इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट और गॉट इट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फाइल अभी अपलोड होना शुरू हो चुका है, स्टार्टिंग अपलोड। ये 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा, फाइल अभी अपलोड हो चुका है, इसको हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर बता रहा है कि मेरा ये फाइल है, ये मेरा फाइल है, इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है, ओपन विथ गूगल डॉक। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं गूगल डॉक जो ऐप है वो खुल जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा ऊपर इमेजेस था तो यहाँ पे मेरा कन्वर्ट हो चुका है। आपको इसको चेंजेस करना है, इसको सिंपल सा जाना है और यहाँ पे आप फाइल में जाने के बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं या तो डाउनलोड में जाके। अब यहाँ पे फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड में जाइए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पे आप देखिएगा डाउनलोड होना शुरू हो चुका है मेरा ये वाला को, इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जो मेरा डाउनलोड हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं हम ओपन करें। जो मेरा फाइल को कन्वर्ट हम लोग करवाए थे ये मेरा इमेजेस है और यहाँ पे मेरा ये कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अपना कॉमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।